आपने इससे पहले बताइए, मोल ये वर्ड इससे पहले कहां सर, या किस वन बेसिक जगह पर? यूनिट। एग्जैक्टली, ये कहां पर हम लोगों ने पढ़ा था? इट वॉज इन द SI, बेसिक यूनिट, बेस यूनिट, बराबर है, याद है SI के बेस यूनिट? हाँ सर, हाँ सर, SI के कितने डाक्टर सेवन सेवन। नहीं, मैंने SI के कितने यूनिट थे ये पूछा, या फिर SI के कितने टाइप में डिवाइड किया गया टू था? टू दो, कौन से थे वो? बेसिक यूनिट एंड डिराइव्ड यूनिट। बेसिक यूनिट और डिराइव्ड यूनिट, ऐसे दो टाइप के थे, जिसमें से बेस यूनिट कितने थे? सेवन 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 बेस यूनिट थे। सेवन बेस यूनिट थे, सबसे पहला लेंथ लेंथ लेंथ, सेकंड मास मास, टाइम टाइम टाइम, टेम्परेचर टेम्परेचर, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सरफेस, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। जिसमें से जो पांचवे नंबर का था, क्या था पांचवे नंबर का? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट क्या लिखा था हम लोगों ने? मोल मोल मोल। तो ध्यान, एनए एटम्स को ही हम क्या कहते हैं? मोल मोल कहते हैं। मतलब जो मैंने यूनिट लिखा है ग्राम, तो जैसे आप लोगों को पता है जब मैं ग्राम लिख रहा हूँ, मतलब इट इज द मास ऑफ कितने एटम्स? एनए एटम। और एनए एटम एनए एटम का मतलब क्या होता है? मोल मोल। एनए एटम ध्यान में रखो, मैं क्या बोल रहा हूँ, एनए एटम्स का मतलब ही मैं क्या बोल रहा हूँ? मोल बोल रहा हूँ, ठीक है? डन। अब मैं यहाँ एटम भी वर्ड निकाल लेता हूँ, सिर्फ एनए लिखता हूँ। एनए मतलब क्या होता है? मोल मोल होता है। एनए मतलब एनए की वैल्यू क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एनए? 6.022 × 10⁻². 0.022 × 10⁻², लिखा तो वैसे मोल कितना था? मतलब इतना Na मतलब कितना मोल होता है? 6.8। कितना होना चाहिए? जैसे ध्यान दीजिए, आपको एग्जांपल ध्यान दीजिए, मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ, ठीक है? एग्जांपल ये है कि नंबर और डजन, ठीक है? डजन पता है ना, केले लेते ना हम डजन में। हाँ, जैसे आप लोगों को पता है कि नंबर अगर मेरा 12 रहा तो डजन कितना होता है? वन होता है, राइट? अगर मैंने दो डजन बोला तो फिर नंबर कितना होगा? 24। अगर मैंने हाफ डजन बोल दिया तो मतलब नंबर कितना होगा? 6 होता है। अब अरे समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो उसी हिसाब से एनए मतलब इतना नंबर होता है, तो इतना नंबर मतलब कितना मोल होना चाहिए? वन मोल। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? 6.022 × 10³ एटम, इतना बोलने की जगह मैं वन मोल ऑफ एटम बोलना प्रेफर करूं या नहीं करूं? क्या लगता है? मैं क्या बोलूं हर बार आपको? 6.022 × 10⁻², ऐसा बोलूं या सिर्फ वन बोल ऐसा बोलूं? क्या बोलना चाहिए? वन मोल। वन मोल। वन मोल ऑफ एटम। तो जैसे कि आप लोगों का पता है कि ग्राम जो होता है वो इतने एटम्स के लिए होता है, इतना एटम मतलब ही कितना मोल? वन मोल। ग्राम जो रहेगा वो कितने एटम के लिए मास रहेगा? एक मोल के लिए, ग्राम पर मोल, एक मोल पर मोल मतलब एक मोल के लिए। समझ में आ रहा है ना? पर मोल मतलब क्या होता है? एक मोल। तो जब मैं ग्राम लिखता हूँ वो एक मोल के लिए होता है, तो इसीलिए का जो यूनिट हम लिखते हैं एटॉमिक मास का, वो ग्राम पर मोल होता है। क्या होता है वो? ग्राम पर मोल। और पर मोल मतलब कितने एटम? Na atom बोले तो कितना? 6.022 × 10⁻². ओके, समझ में आ रहा है? गॉट इट? हां सर।
सर बट ध्यान रखना हर जगह पर आप लोगों को जरूरी नहीं कि एटॉमिक मास ऐसा लिखा रहेगा कि 1 ग्राम पर मोल, वो ऐसा ही लिखा रहेगा 1 ग्राम, कितना लिखा रहेगा 1 ग्राम, बट आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि 1 ग्राम मास है, इट इज द मास ऑफ 1 मोल। ये आपको समझना ही पड़ेगा भले वहां लिखा हो या फिर ना हो, समझ में आ रहा है? ठीक है, ग्राम का मतलब ही होता है ग्राम, जहां पर आ गया मतलब इट इज द मास ऑफ 1 मोल, ग्राम आ गया मतलब इट इज द मास ऑफ 1 मोल। समझ में आ रहा है? ओके गुड। सो ये होता है हमारा एटॉमिक मास के लिए, ठीक है। अब एटॉमिक मास में हम नेक्स्ट कंसेप्ट बताता हूं, ठीक है, वो होता है एवरेज एटॉमिक मास। अब मेरा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है एटॉमिक मास वाला, वो होता है एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, तो भाई एवरेज एटॉमिक मास का कंसेप्ट समझने के लिए हम लोग को थोड़ा सा एक और कंसेप्ट को रिवाइज करना पड़ेगा जो आप 10th तक भी पढ़ चुके हो, ठीक है। तो वो कंसेप्ट है ये वाला, दिखाई दे रहा है मैंने क्या लिखा? क्या लिखा है? आइसोटोप्स। अब मुझे बताइए आइसोटोप्स का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोटोप? Equal number of proton, but neutron is different. Okay. Actually, isotopes का meaning क्या होता है? Atoms having same atomic number, but different mass. Atomic mass. Atomic number, but different. एटॉमिक मास नंबर। मास नंबर का मतलब ही एटॉमिक मास होता है, समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, फॉर एग्जांपल आप लोगों को पता ही होंगे एग्जांपल, जैसे कार्बन, कार्बन जो होता है वो 2 आइसोटोपिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है। कार्बन कितने आइसोटोपिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है? 2 फॉर्म में। और वो दो तीन फॉर्म में होता है वो, जैसे तो वो राइट, एक होता है C12, एक होता है C13, C14 भी होता है, और एक C13 होता है मेरे ख्याल से, हाँ एक C13 भी होता है और एक होता है C14। तो इन लोगों का देखिए इसमें मैंने जो लिखे हुए ये क्या लिखे हुए हैं, व्हाट इज दिस, दिस आर द एटॉमिक मास, एटॉमिक मास या मास नंबर है, और इस बेस पर जो मैं लिख रहा हूँ वो क्या है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। तो आप देख पा रहे हो एटॉमिक नंबर सबके कैसे हैं? सेम सेम है, बट मास नंबर सबके डिफरेंट है, डिफरेंट अलग अलग, राइट। बट मुझे बताओ जब मैं आने आप लोग को कार्बन का मास पूछा था तो आपने कार्बन का मास कितना बताया था मुझे? 12 ग्राम, बराबर है। अब भाई बताओ ये 12 ग्राम आपने किसका बताया था, C12 का, C13 का या C14 का? क्योंकि एटॉमिक मास तो कार्बन का 12 भी होता है, 13 भी होता है, 14 भी होता है, तो फिर आपने 12 भी बताया। कार्बन का एटॉमिक मास 12, मास नंबर 12 भी है, 13 भी है और 14 भी है, लेकिन जब मैंने आप लोग को एटॉमिक मास पूछा कार्बन का आप लोगों ने सिर्फ 12 ही बताया, मतलब इसका ही बताया, इन दोनों का क्यों नहीं बताया भाई? क्वेश्चन समझ में आ गया ना मेरा? तो ध्यान में रखिएगा ये जो मास हम लोगों ने लिया है कार्बन का वो किसी एक का मास नहीं है, बल्कि वो क्या है, इन तीनों का एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज मास, समझ में आ रहा है? तो इसीलिए देखिए हम लोगों के लिए एवरेज एटॉमिक मास निकालना जरूरी होता है, क्योंकि नेचर में
जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक से ज्यादा, मतलब एक से ज्यादा फॉर्म में, मतलब डिफरेंट आइसोटोप फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। समझ में आ रहा है? एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन अ आइसोटोपिक, डिफरेंट आइसोटोपिक फॉर्म इन अ नेचर और इन एन एनवायरमेंट। समझ में आ रहा है? एज एलिमेंट्स आर हैविंग द डिफरेंट आइसोटोप, देयरफॉर हम क्या लेंगे उनका एवरेज एटॉमिक मास। अब नेक्स्ट मेरा सवाल ये है कि नेचर में ये तीनों टाइप के आइसोटोप प्रेजेंट है, मतलब आइसोटोप मतलब डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट, सेम ही एलिमेंट होता है बट विद डिफरेंट मास। ओके, तो ये तीन आपके आइसोटोप कार्बन के प्रेजेंट है, तो मुझे बताओ नेचर में इनमें से कोई एक ऐसा है क्या जो ज्यादा अमाउंट में मिल रहा हो और कोई ऐसा है क्या जो कम अमाउंट में मिल रहा हो, या फिर तीनों भी आइसोटोप सेम लेवल पर रहेंगे, सेम अमाउंट में रहेंगे? क्या लगता है आपको? क्या लगता है आपको कि तीनों का जो अमाउंट रहेगा नेचर में वो सेम रहना चाहिए या अलग अलग रहना चाहिए? सेम होना चाहिए, हमको ऐसे लगता है, लेकिन जैसे कि हमें जो लगता है वो हमेशा क्या होता है, गलत होता है, इस बार भी वो गलत ही है। समझे डर? तो इन लोगों का जो अवेलेबिलिटी होती है नेचर में वो सेम नहीं होती है, वो कम ज्यादा होती है, और कम ज्यादा मतलब इतनी कम ज्यादा होती है कि इसमें से किसी एक का अमाउंट बहुत ही ज्यादा रहता है जबकि बाकी दोनों का अमाउंट बहुत ही निग्लिजिबल होता है। समझ में आ रहा है? राइट तो ये जो अवेलेबिलिटी होती है ये आइसोटोप्स की इन नेचर में, इसको हम रिलेटिव अबंडेंस कहते हैं। क्या कहा जाता है इनको? रिलेटिव अबंडेंस। ओके, रिलेटिव अबंडेंसेस। ओके डन, मतलब एक दूसरे के कंपैरिजन में कितने अबंडेंटली प्रेजेंट है। ठीक है, तो जैसे अगर मैं बात करूं इन तीनों की स्पेसिफिकली, तो आपको पता लगेगा कि C12 का जो रिलेटिव अबंडेंस है वो है 98.892। जैसे कि मैंने कहा एक का बहुत ही ज्यादा रहेगा, कितना है वो 98.892। ठीक है, लेटर ऑन कार्बन 13 जो होता है इसका रिलेटिव अबंडेंस देखा जाए तो वो है मात्र 1.108। कितना है? 1.108। और कार्बन 14 का अगर देखा जाए तो इसका रिलेटिव अबंडेंस है 2×10⁻¹। कितना है? 2×10⁻¹⁻¹। और अगर इनके एटॉमिक मास के बारे में मैं बात करता हूं, ठीक है डन, ये मेरे आइसोटोप्स है, दीज आर द आइसोटोप्स। ठीक है, देन ये उनका रिलेटिव अबंडेंस है और मैं अब इनका लिखने जा रहा हूं एटॉमिक मास। ओके डन, तो इनका जो एटॉमिक मास है, C12 का एटॉमिक मास होता है 12, C13 का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 13.00335। क्लियर है? देन C14 का जो एटॉमिक मास है वो होता है 14.00317। तो ध्यान दीजिए, यहां पर मैंने क्या बताया आप लोग को, ये डिफरेंट डिफरेंट आइसोटोप्स है और ये इनका रिलेटिव अबंडेंसेस है और उनके एटॉमिक मासेस दिए हुए आपको। ठीक है, अब आप लोग को क्या निकालना है, इनका क्या निकालना है? एवरेज एटॉमिक मास। क्या निकालना है अभी मुझे इन लोगों का? एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। तो भाई इनका एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकाला जाता है, तो ध्यान में रखिएगा इसके दो तरीके होते हैं। दो तरीकों में से पहला ये तरीका है, जब आपके पास क्या दिया हुआ है, क्या दिया रहता है, रिलेटिव अबंडेंस। और दूसरा तरीका वो है जब आप लोगों को रेशियो दिया हुआ रहता है। क्या दिया हुआ रहता है? रेशियो। तो राइट नाउ मैंने सिर्फ रिलेटिव अबंडेंसेस बोला है, तो जब आप लोग के पास रिलेटिव अबंडेंसेस देखकर रहेगा तब आप एवरेज एटॉमिक मास के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा? एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू, क्या करेंगे आप, हर एक आइसोटोप्स का रिलेटिव अबंडेंसेस
मल्टीप्लाइड बाय उसका एटॉमिक नंबर, ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे यहां पर हर एक का ऑफ ईच आइसोटोप, ऑफ ईच आइसोटोप, ठीक है, इनको ऐड करना पड़ता है और डिवाइडेड बाय 100, और क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 100, समझ में आ रहा है, डिवाइडेड बाय 100। अब कैसे, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसका निकालता हूं, तो यहां पर मैंने क्या बोला, रिलेटिव अबंडेंस मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ ईच आइसोटोप, तो यहां कितने आइसोटोप है मेरे पास, तीन। इसमें से सबसे पहला आइसोटोप मैं ये C12 वाला लेता हूं, तो C12 का सबसे पहले रिलेटिव अबंडेंस बताओ, क्या है रिलेटिव अबंडेंस C12 का, रिलेटिव अबंडेंस 98.892 मल्टीप्लाइड बाय क्या है 12 एटॉमिक मास, कितना है C12 का एटॉमिक मास 12। अब ये होगा पहले आइसोटोप का, अब हम लिखेंगे दूसरे आइसोटोप का, लेकिन ये पहले वाले को दूसरे वाले को ऐड कर देना है, तो प्लस। अब दूसरा वाला आइसोटोप है 13 वाला, तो 13 का रिलेटिव अबंडेंस कितना है 1.08। हाँ, मल्टीप्लाइड कितना करूंगा उसका 13.00335 प्लस। अब प्लस करना पड़ेगा थर्ड वाले आइसोटोप का रिलेटिव अबंडेंस मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास, तो रिलेटिव अबंडेंस कितना है थर्ड का 2 × 10⁻¹⁰ मल्टीप्लाइड बाय इसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास कितना है 14.00317। अब फिर हम ये तीनों का क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, फिर डिवाइडेड बाई 100 करने के बाद में अगर हम इसका आंसर निकालेंगे, ठीक है, सो अल्टीमेटली इस लोगों का जो इनका आंसर जो दिया हुआ है दैट विल बी कितना दिया 12.011, और ये आप देंगे यू में, ये यू या फिर AMU में देंगे, समझ में आ रहा है, ये आंसर आप किसमें रिप्रेजेंट करेंगे यू या फिर AMU, क्योंकि आप एवरेज एटॉमिक मास निकालो एक के लिए, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है, ओके। तो ये एक पहला तरीका है जिससे आप एवरेज एटॉमिक मास निकाल सकते हो, और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि एक और तरीका होता है, ठीक है, जिसमें आप लोग को क्या दिया हुआ रहता है, रेशो, आइसोटोप्स के रेशो दिया रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल क्लोरीन के भी दो आइसोटोप्स होते हैं Cl37 एंड Cl35, ओके, और इन लोगों जो प्रेजेंट होते हैं आर प्रेजेंट इन अ रेशो, और ये एक रेशो में प्रेजेंट होते हैं आपके नेचर में 1:3, कौन से रेशो में प्रेजेंट होता है 1:3। तो वैसे टाइम पर इनका एवरेज एटॉमिक मास आप लोगों को निकालना है, तो व्हाट इज द एवरेज एटॉमिक मास, तो इसके लिए हम वापस फॉर्मूला यूज करेंगे, अब इसमें फॉर्मूला चेंज होता है, एवरेज एटॉमिक मास विल बी इक्वल्स टू, फॉर्मूला लगभग सेम है बट थोड़े से चेंजेस है, क्या, जैसे पहले वाला, पहला कौन सा है आइसोटोप, पहला आइसोटोप कौन सा है, हाँ, तो इसका मास कितना है, Cl37 का मास कितना है 37, दिया नहीं है 37 ही लिखेंगे, क्योंकि ये वाली चीज जो होती है वो मास ही होती है, तो मैंने लिख लिया 37, और इसको मल्टीप्लाई करूंगा जिस रेशो में ये प्रेजेंट है, किस रेशो में प्रेजेंट है Cl37 1:3। अबे रेशो Cl37 सिर्फ Cl37 में प्रेजेंट है, प्लस अब दूसरा आइसोटोप है Cl35 जिसका मास होता है 35, और ये कितने अमाउंट में प्रेजेंट है रेशो के हिसाब से, कितने पार्ट में प्रेजेंट है, थ्री पार्ट में प्रेजेंट, ठीक है, हाँ। अब डिवाइडेड बाय क्या लिखना चाहिए मुझे यहाँ पर, ये दोनों रेशो का एडिशन, मतलब 1+3, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, हाँ सर,
तो ये कितना हो जाएगा 37 प्लस ये हो जाएगा 35.5 अगर आप करोगे तो अल्टीमेटली आप लोग का फाइनल 35.5 U आ जाएगा कितना आ जाएगा 35.5 U क्लियर है ओके सो दिस इज ऑल अबाउट द एवरेज एटॉमिक मास कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं सर समझ में आ रहे हैं ना दो तरीके से आप एवरेज एटॉमिक मास निकाल सकते हो एक जब रिलेटिव अबंडेंस दिया रहेगा और दूसरा जब क्या दिया रहेगा रेशियो रेशियो दिया रहेगा क्लियर है हाँ सर ओके सो दैट्स ऑल फॉर टुडे हम कल कंटिन्यू करेंगे ठीक है ओके बेटा थैंक यू बाय सर बाय बाय